चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। पीएम ने गुजरात को दी 4400 करोड़ रुपए की सौगात, कहा पीएम आवास योजना से बीजेपी ने देश भर में करोड़ों बहनों को लखपति दीदी बनाया। उद्धव ठाकरे बोले एससी ने साफ कहा है शिंदे बीजेपी सरकार अवैध है, हम जनता की अदालत में जाएंगे पूर्व राज्यपाल के खिलाफ FIR दर्ज हो। चीन को राजनाथ सिंह का करारा जवाब, कहा LAC के सभी मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौते के तहत किया जाए हल। देश के हर राज्य में बनेगा तिरुपति बालाजी का मंदिर, जम्मू से हो रही शुरुआत, सज रहा है भगवान वेंकटेश्वर का दरबार। यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस ने WFI चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह का बयान दर्ज किया, जांच के लिए बनी SIT। मध्य प्रदेश में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, मई में 3 बड़े अभियान चलाएगी बीजेपी, 15 मई से 15 जून तक सांसद करेंगे घर घर जनसंपर्क। असम सरकार ने गठित की 4 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल, करेगी बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की वैधता की जांच। खतरा, हवा में घुल रहा है जहर, फुला रहा है दिमाग की नसें, वैज्ञानिकों का दावा जितना अधिक प्रदूषण उतना गंभीर रोग। मार्केट में आ गई शराब की लत छुड़ाने वाली चीप, 5 मिनट के बाद 5 महीने तक शराब से मिलेगा छुटकारा। पढ़ाई के नाम पर बच्चों को मिल रहा था किताबी ज्ञान, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बदल रही है व्यवस्था, पीएम मोदी। महंगाई पर देश की सबसे बड़ी राहत, 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा रिटेल इन्फ्लेशन, सब्जियों और खाने पीने के सामान के दामों में कमी। मध्य प्रदेश, चुनावी साल में कांग्रेस ने अपनाई बीजेपी का स्लोगन, सबका साथ सबका विकास, जयपुर फार्मूला रहेगा बेअसर। साइक्लोन मोर्चा बेहद भीषण तूफान में बदला, पोर्ट ब्लेयर से 530 किलोमीटर दूर, NDRF ने बंगाल के दीघा में 8 टीमों को किया तैनात। 130 साल पुराना जेल का कानून बदल जाएगा, कैदियों को सजा के दौरान सुधारा भी जाएगा, रिहैब का नियम भी जोड़ा गया। चने की खरीद में MP नहीं, महाराष्ट्र राज्य बना नंबर 1, राजस्थान और UP बहुत पीछे। लोकसभा चुनाव 2024 में शरद पवार होंगे विपक्ष का चेहरा, नीतीश बोले इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। फ्री राशन लेने वालों को भारी पड़ेगा आधार को राशन कार्ड से लिंक ना करना, 1 तारीख से मिलना बंद हो जाएगा गेहूं चावल। बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला, मामले की सुनवाई से हटे जस्टिस गंगोपाध्याय, SA ने कहा दूसरे जज को सौंपे कार्यवाही। सिसोदिया बोले PM को संविधान का पालन करना चाहिए, IAS ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में दिया रिएक्शन, CBI केस में कस्टडी 2 जून तक बढ़ी। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक होगा G20 शिखर सम्मेलन, सुरक्षा में लगाए जाएंगे मरीन और NSG कमांडो, कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। दिल्ली के मंडियों के विकास के लिए 517 करोड़ 94 लाख का बजट, 102 करोड़ से बदलेगी मुर्गा मंडी की तस्वीर। अब UP में नहीं होगी खाद की कालाबाजारी, अधिकारियों ने बनाया शानदार प्लान, व्यापारियों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। नीतीश के विपक्षी एकता की मुहिम को झटका, PM मोदी से मिलने के बाद बोले नवीन पटनायक, तीसरे मोर्चे की संभावना नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO बैठक की अध्यक्षता, बोले आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है तो एकजुट होना होगा। संसद से कानून बनाने की नहीं कह सकते, समझेंगे विवाह पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित। ऑनलाइन बिक रहे थे सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप, अब केंद्र सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, बिक्री तुरंत बंद करने का आदेश। वरिष्ठ नागरिकों को AC से झटका, रेलवे किराए में रियायतों की बहाली वाली याचिका खारिज। योगी सरकार ने 3 वर्ष में 30,000 मामलों में दोषियों की दिलाई सजा, मुख्तार अंसारी पर भी कसा शिकंजा। आमजन के लिए काम की खबर, दिवाली पर 1.75 करोड़ परिवारों को मिलेंगे मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर। फेम स्कीम के तहत गलत तरीके से इंसेंटिव लेने वाली कंपनी के खिलाफ होगी कार्रवाई, वसूला जाएगा इंसेंटिव। फिर उद्धव से अलग NCP के सुर, अजीत पवार बोले शिंदे से इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं, सपने में भी नहीं देंगे। देश में उथल पुथल के बाद भी पाकिस्तान नहीं आ रहा बाज, भारत में आतंकी घुसपैठ की ताक में, लॉन्च पैड पर कई दहशतगर्द मौजूद। अब अलग अलग शहरों और गांवों में होगी पंजाब कैबिनेट की मीटिंग, मान सरकार का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के 68 न्यायाधीशों की पदोन्नति पर लगाई रोक, राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज भी शामिल। राजस्थान कांग्रेस में जारी घमासान, पायलट के समर्थन में आए हनुमान बेनीवाल, बोले अगर कोई नई पार्टी बनाएंगे तो मैं साथ दूंगा। झारखंड, सोरेन सरकार का राज्य कर्मचारियों को तोहफा, DA बढ़ाकर 42% करने का फैसला। अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत, रहेगी बरकरार, अंतिम सुनवाई 16 मई को। मोका चक्रवात से निपटने के लिए अलर्ट पर बांग्लादेश और म्यांमार, तटीय इलाकों से हटाए जाएंगे 5 लाख से अधिक लोग।
अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी 2024 को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। गुजरात में कांग्रेस पर बरसे पीएम, बोले हम लाभ पहुंचाते समय धर्म या जाति नहीं देखते, यही है असली धर्मनिरपेक्षता। देश के क्रांतिवीरों व बलिदानियों के इतिहास के बारे में ऑनलाइन जान सकेंगे लोग, लॉन्च हुआ वेबसाइट। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में घरों सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे 11,000 सरपंच, आंदोलन तेज करने का फैसला। गजब, 1.5 माह बीतने को गेहूं खरीद का लक्ष्य अब तय, अब मात्र 3% ही हो सकी गेहूं की खरीद। बंगाल में प्रजातंत्र नहीं, दबाई जा रही विरोधियों की आवाज़, ममता पर जेपी नड्डा का हमला। केंद्रीय कर्मचारियों को अंगदान के लिए मिलेगी 42 दिन की छुट्टी, मोदी सरकार ने जारी की नई लीव पॉलिसी। सीएम योगी ने देखी द केरल स्टोरी, अखिलेश यादव का तंज, प्रदेश की कहानी पर ध्यान दे तो उद्धार हो जाए। एयर शेड मैनेजमेंट प्लान के जरिए प्रदूषण पर वार, सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों के 8 राज्य बनाएंगे रणनीति। चीन से मेडिकल डिवाइस आयात 152% तक बढ़ा, सरकार ने नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 को दी मंजूरी, मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा। बेमौसम बारिश के बाद केंद्र को सूखे की आशंका, आपात स्थिति के लिए राज्यों को दिया प्लान तैयार रखने का निर्देश। आईटीआई के लिए बनेगी एआई और डेटा साइंस का बेसिक कोर्स, एआई में कौशल विकास के लिए सरकार ने बनाई समिति। हेट स्पीच में बिना शिकायत एफआईआर दर्ज करे एससी का सभी राज्यों को निर्देश, कहा देरी हुई तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। राजस्थान में जातिगत वोट बैंक मजबूत करने में जुटे भाजपा नेता, जाट आदिवासियों को साथ रही वसुंधरा। सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर जल्द ही लॉन्च करेगा भारत, साल 2024 तक शुरू होंगे 100 सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप। ओपेक देशों के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कटौती से भारत में आने वाली है नई मुसीबत, नहीं सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, बोले किसानों से गाय का गोबर खरीदेगी सरकार। ट्राई ने स्पैम कॉल्स मैसेज को लेकर और सख्त किए नियम, सर्विस प्रोवाइडरों को 45 दिनों का वक्त। गृह मंत्री ने की देश भर के हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाओं की समीक्षा, चाक चौबंद के दिए निर्देश। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा बड़ी कंपनियां हो रही है मालामाल जबकि एमएसएमई रही है पिछर। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा एएसआई साइंटिफिक सर्वे करे, स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे। शहरों के लिए 40 वेस्ट टू एनर्जी प्लांटों को मिली मंजूरी, 500 बायोगैस प्लांट किए जाएंगे स्थापित। बंगाल में डिप्लोमा से डॉक्टर की नियुक्ति के ऐलान पर घिरी ममता बनर्जी, फैसले पर उठे सवाल। उद्धव ठाकरे को फिर से झटका, 6 से 7 विधायक शिंदे गुट के संपर्क में, एमएलए संजय सिरसाट का दावा। अब ड्रोन से अस्पतालों तक पहुंच सकेगा ब्लड, ट्रायल रहा सफल, 35 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में हुई तय। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो अब यूपी में नहीं होगी खाद की कालाबाजारी, अधिकारियों ने बनाया शानदार प्लान, व्यापारियों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के किसानों को खरीफ सीजन के दौरान खाद की किल्लतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, वे धान के खेत में समय पर खाद डाल पाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ शासन सख्त कार्रवाई करेगी, साथ ही जो दुकानदार तय कीमत से अधिक रेट पर खाद बेचते हुए पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। खाद दुकानदारों का लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कृषि विभाग खाद की किल्लत को दूर करने के लिए अभी से व्यापारियों और दुकानदारों के साथ बैठकें शुरू कर दी है। इस दौरान खाद विक्रेताओं को खाद की कालाबाजारी नहीं करने की हिदायत दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आमजन के लिए बड़ी काम की खबर, दिवाली पर 1.75 करोड़ परिवारों को मिलेंगे मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर। जी हां, योगी सरकार उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को दिवाली और होली पर मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा निभाने जा रही है। खाद्य एवं रसद विभाग इसकी तैयारी में लगा है। विभाग दिवाली पर उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर की रिफिल की धनराशि की प्रतिपूर्ति के इंतजाम में जुट गया है। इसके लिए तेल कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्रदेश में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 1.75 करोड़ रुपए है। प्रदेश में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 1.75 करोड़ है। भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव के अवसर पर जारी अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को होली और दिवाली पर मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी।
फ्री राशन लेने वालों को भारी पड़ेगा आधार को राशन कार्ड से लिंक ना करना। एक तारीख से मिलना बंद हो जाएगा गेहूं चावल। जी हां, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप सरकार की मुफ्त राशन योजना का फायदा ले रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार आधार को राशन कार्ड से जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक करोड़ों राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया है। अगर आपका राशन कार्ड और आधार लिंक नहीं हुआ तो सरकार की तरफ से राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। यदि 30 जून 2023 को राशन कार्ड और आधार लिंक नहीं हुए तो आपका राशन कार्ड स्वतः रद्द हो जाएगा और आपको 1 जुलाई से राशन में मिलने वाला गेहूं चावल नहीं मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन बिक रहे हैं सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप। अब केंद्र सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, बिक्री तुरंत बंद करने का आदेश। जी हां, सड़क हादसों को रोकने के लिए कार निर्माण से जुड़ी कंपनियों ने सीट बेल्ट अलार्म बनाया है, लेकिन उसका भी जुगाड़ कुछ लोगों ने खोज निकाला है, जिसके तहत एक डिवाइस लगाने पर वो बंद हो जाता है। इसकी ऑनलाइन बिक्री हो रही थी, जिस पर अब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के खिलाफ कार्रवाई की है। के मुताबिक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज और मीशो पर धरले से अलार्म बिक रहे थे, जिस पर सख्ती दिखाते हुए इन्हें तुरंत हटाने का ऑर्डर जारी किया गया है। आदेश में साफ कहा गया है कि वे तुरंत अपनी साइट और ऐप से सीट बेल्ट अलार्म रोकने वाले डिवाइस को हटाए। कुछ पर डिवाइस दूसरे नाम से बिक रही थी, उन पर भी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।